यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धार आ रहे हैं। वे यहां पीजी कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार देर रात तक मोदी की सभा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री पहले 16 फरवरी को यहां सभा करने वाले थे, लेकिन पुलवामा हमले के बाद सभा को निरस्त कर दिया गया था। आज एमपी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखा जाए तो पुलवामा हमले के बाद इस सभा को निरस्त कर दिया था, लेकिन अब वो यहां पहुंचेंगे। आपको बता दें कि धार लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। मालवा क्षेत्र बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। हालांकि 16 फरवरी को सभा का आयोजन किया जाना था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद इस सभा को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अब धार में इस सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मालवा बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें इनमें से 7 कांग्रेस के पास सीट है, जबकि 2013 में विधानसभा के पास 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। नवंबर दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ क्षेत्र में बीजेपी को सबसे कम सीटें धार जिले से ही मिली थी। मोदी की सभा के लिए कॉलेज ग्राउंड पर डोम के साथ मंच और पंडाल भी बनाया गया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक मोदी दोपहर तक धार आएंगे। कार्यक्रम में 2500 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया है। धार और इंदौर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि उनका दौरा पहले ही होने वाला था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद इसे निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार में पहुंचेंगे। हालांकि 16 फरवरी को इस सभा का आयोजन किया जाना था।